यूक्रेन से जारी जंग के बीच रूस ने एटमी ड्रिल शुरू की है। इस दौरान बैलिस्टिक मिसाइल भी लॉन्च की गई है। वहीं इसका फुटेज रूस की सरकारी टेलीविजन ने जारी किया है, जिसमें पुतिन को नियंत्रण कक्ष में अभ्यास की निगरानी करते हुए दिखाया गया है। वहीं तकनीकी तौर पर इस ड्रिल को स्ट्रेटेजिक डिस्टेंस फोर्स कहा जाता है। इधर रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच बुधवार को फोन पर बातचीत हुई। इस दौरान राजनाथ सिंह ने अपने रूसी समकक्ष सर्गेई शोइगु से कहा कि यूक्रेन युद्ध में किसी भी पक्ष द्वारा परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि परमाणु या रेडियोलॉजिकल हथियारों के उपयोग की संभावना मानवता के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। वहीं रक्षा मंत्री सिंह ने शोइगु से कहा कि बातचीत और कूटनीति के माध्यम से युद्ध को तुरंत रोका जाए।